जी विद्यार्थियों, आइए आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.3 के पहले प्रश्न को, और इससे संबंधित जो थ्योरम्स थी, इससे संबंधित जो उदाहरण थे, उनको हम पहले ही कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से 10वीं की NCERT की मैथमेटिक्स की पुस्तक का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति यानी ये जो आकृति हैं में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो पहला पार्ट है, उसमें हम देखते हैं, देखो एंगल ए बराबर एंगल पी, दोनों 60 डिग्री के हैं, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये 80 यही बराबर है, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40, यानी तीनों एंगल बराबर हैं। तो ए ए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और सांकेतिक रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। देखो ए के बराबर पी है तो पहले पी ही आएगा, B के बराबर Q है तो उसके बाद यहाँ B लिया है तो यहाँ पर हम Q लिखेंगे और क्यू आर, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हम देखते हैं ए बी 2 है और ए सी 3 है और बी सी 2.5 है। तो देखो हम यहाँ देखते हैं 2, ये इसका डबल है और ये इसका दुगना है और ये इसका दुगना है, अर्थात ए बी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी क्यू, ए सी बटे में पी क्यू यानी ये इसका डबल है बराबर बी सी बटे में पी आर, ये सभी क्या हैं, 1:2 के अनुपात में दिए हैं, अर्थात एस 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप, ए बी करस्पॉन्ड क्या है, क्यू आर है, तो हम यहाँ पर क्यू आर ही लिखेंगे, त्रिभुज क्यू आर पी यानी ए बी सी और क्यू आर पी। अब थर्ड पार्ट है, तो देखो यहाँ पर ये 2.5 है, इसका दुगुना ये है और इसका दुगुना ये नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी न तो कोई त्रिभुज के एंगल बराबर है और ना ही कोई पार्ट बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ये समरूप नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं, चौथा ए एम 2.5 है, ये 6 है, इसका डबल करेंगे तो ये 5 होगा, लेकिन इसका डबल ये है, लेकिन ये दोनों भुजाएं समान रेशियो में नहीं है, अर्थात ये भी समरूप नहीं है, इसका आंसर ये होगा। अगला है चौथा पार्ट, उसमें हम देखते हैं, पांचवा है ए बी 2.5 है और डी एफ 5 है यानी इसका डबल है, और ये एंगल इसके बराबर है और ये इसका डबल है, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल एफ 80 डिग्री के हैं, ए बी बटे में डी एफ, ए बी बटे में डी एफ इसका डबल है, और बी सी बटे में ई एफ, ये भी क्या है, 1:2 के अनुपात हैं, दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक एंगल बराबर है, तो एस ए एस समरूपता, समरूपता कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप। अब देखो ए बी के समरूप क्या है, डी एफ है, तो ए बी सी डी एफ है, और ए के बराबर एफ है तो एफ डी ई, एफ डी ई, ध्यान देना है कि हम इसी क्रम में इसको लिखेंगे, ए बी सी और एफ पहले आया है तो यहाँ भी एफ पहले आएगा, नहीं एफ डी ई ऐसे ही। अब हम देखते हैं छठे पार्ट को, इसमें क्या है, एंगल डी, जो एंगल डी है 70 का है और एंगल क्यू 80 का है,
यदि हम इस एंगल को और निकाल लें तो देखो 70 और 80, 80 प्लस 70 कितने होते हैं 150, यानी ये एंगल है वो कितने का रह जाएगा 30 डिग्री का, 180 माइनस 150 बराबर 30 एफ। ऐसे इसमें देखें तो ये भी कितने का आ जाएगा 70 का, अर्थात ए ए ए ए समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए डी एफ, डी ई एफ समरूप, डी के बराबर पी है तो हमने पहले यहाँ डी लिया है तो यहाँ पर पी लेंगे, त्रिभुज पी ई एंगल ई है वो किसके बराबर है क्यू के बराबर है तो दोबारा में क्यू आ जाएगा और एक बच गया आर तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के सभी पार्ट्स कर लिए हैं और आशा करते हैं आपने इन सभी पार्टों को समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे दूसरे प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।